आप कभी नेपाल गए हैं? नेपाल इंडिया के उत्तरी पूर्व में स्थित है और इंडिया से बहुत ही नज़दीक है। अगर हम लखनऊ से और पोखरा की दूरी देखें तो मात्र 500 किलोमीटर है। तो अभी मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था अपने नेपाल ट्रिप की, तो मैं और मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हम लोगों ने 4 साल पहले सन 2017 में नेपाल टूर किया था अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। हम लोग का वो पहला बाइक ट्रिप था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए हम लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल पे। अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। कि मैं यहाँ से पहले इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पहले मैं अपने घर गया प्रयागराज, वहाँ पे मैं अपने बचपन के दोस्त से मिला और फिर वहाँ से हम सीधे निकले सुनौली बॉर्डर की तरफ। तो जो लोग भी इंडिया से नेपाल जाते हैं उनको नेपाल बॉर्डर पर एक परमिट बनवाना होता है, तो वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो पर डे के हिसाब से आपके कितने चार्जेस लगे वो आप उनको पे करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस वालों को। आपके पास बाइक है उसकी भी कुछ चार्जेस लगते हैं, अराउंड 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और आप वो सारा पेमेंट वहाँ पे करके अपनी परमिट्स ले करके और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सबसे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन था वो लुम्बिनी था। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, तो वहाँ पर हम एक रात रुके, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो देखने के बाद फिर हम लोग वहाँ से लुम्बिनी से निकल करके पोखरा के लिए गए। पहाड़ी रास्ते और छोटे छोटे गांव और कस्बों से होते हुए हम नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा पहुँच गए। पोखरा शहर का मेन आकर्षण पेहवा लेक है। पोखरा का जितना भी जीवन है वो पेहवा लेक के ही आसपास नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो पोखरा इज़ दी प्लेस। तो पोखरा हम लोग एक रात रुके। पोखरा में रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकल करके गए जोमसोम। तो जोमसोम का हमारा प्लान नहीं था एक्चुअली, बट जब हम लोग पोखरा पहुँचे तो वहाँ पर पता किया और लोगों ने बताया कि हम जोमसोम के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से जोमसोम के लिए निकल गए। जोमसोम बहुत दूर नहीं था पोखरा से, मात्र 180-190 किलोमीटर तारकोल वाली रोड थी, हम उस पर चलते चले गए। लेकिन जैसे ही 40 किलोमीटर ख़त्म हुए उसके बाद जो रास्ता हमें मिला, ना उस पर तारकोल रोड थी, ना वो कच्ची सड़क थी, ना वो खड़ंजा था, ना ही वो कोई, वो सिर्फ एक पहाड़ पर रास्ता था जिस पे हम लोग चले जा रहे थे। सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे बाकी जो बाइकर्स थे, एडवेंचरर्स थे, वो सब उस रास्तों पर जा रहे थे, पर हम लोग शायद तैयार नहीं थे उस रास्ते के लिए। हम निकल चुके थे, रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई। धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे, पंचर रिपेयर वाला मिला, उससे पंचर ठीक कराया और फिर हम आगे जोमसोम की तरफ बढ़ते ही रहे। पर वो रास्ता इतना ख़राब था कि पत्थर थे, चट्टाने थी, मिट्टी था, कीचड़ था, और जो हमारी हिम्मत थी वो टूटने लगी थी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसा रास्ता नहीं देखा था, कभी ऐसा बाइक ट्रिप नहीं किया था। जो हमारी हिम्मत थी वो टूटने लगी थी, अंधेरा भी होने लगा था धीरे धीरे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई ढंग का गेस्ट हाउस मिल जाता है तो हम यहीं रुक जाते हैं, और यही हुआ कि हमें रास्ते में एक गेस्ट हाउस मिला जहाँ पर हम लोगों ने रात गुजारी। अच्छा हुआ जो हमें वो गेस्ट हाउस मिल गया और हम वहाँ रुक गए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हमने पता किया कि आप जोमसोम में ना आपको ATM मिलेगा, ना ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो आप अगर आपके पास पैसे और पेट्रोल एक्स्ट्रा नहीं है तो आप जोमसोम की तरफ ना जाएं, आप फंस सकते हैं। ये सुनने के बाद हम लोग की जो बची खुची हिम्मत थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग जोमसोम से पोखरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि पोखरा एक बड़ा शहर था। पोखरा में ATM, पेट्रोल, फूड, अकोमोडेशन, हर चीज़ ईजिली अवेलेबल थी। पोखरा में एक रात रुके और उसके बाद फिर हम लोग काठमांडू चले गए। काठमांडू जो कि पोखरा से फिर 200 किलोमीटर की दूरी पर था। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल का सबसे आधुनिक शहर भी है। काठमांडू में रुककर हम लोगों ने पशुपति नाथ जी के दर्शन किए,
दरबार स्क्वायर घूमा और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस इंडिया आ गए। तो ये थी कहानी। ये हमारी लाइफ का सबसे पहला बाइक ट्रिप था, सबसे लंबा बाइक ट्रिप था, अनसक्सेसफुल बाइक ट्रिप था, और इस बाइक ट्रिप ने आगे जितने भी मैंने बाइक ट्रिप्स किए उन सब के लिए ये एक इंस्पिरेशन था और एक मोटिवेशन था कि मुझे बाइक ट्रिप्स करनी है। तो मैंने किए, जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए अपने नेपाल ट्रिप से, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने बाकी ट्रिप्स पे लगाए। और मैं स्पीति होके आया, मैं उत्तराखंड होके आया, उसके बाद ले लद्दाख का प्लान था, बट तब से कोरोना ने अपना काम कर दिया। एक बार कोरोना ख़त्म होगा तो ले लद्दाख, भूटान और शायद नेपाल, जोमसोम जो रह गया था उसको पूरा करके ज़रूर आएंगे। ट्रैवल स्टोरी पसंद आई तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।